नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। दोस्तों, एमएसएमई की बात जब भी आती है ना, तो जहन में पहला सवाल यही आता है कि एमएसएमई से आखिर लोन कैसे लिया जाए। हमें पिछले वीडियोस पर कई ऐसे व्यूअर्स ने सवाल पूछे हैं जिसमें यही बात कही गई है कि आखिर एमएसएमई से लोन लिया कैसे जाता है। तो आज इसी सवाल का जवाब देने हम आए हैं इस वीडियो के जरिए। तो अगर आपका भी यही सवाल था तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि एमएसएमई से लोन लेने के लिए ना कई तरीके हैं और इसमें बैंक और एमबीएफसी दोनों शामिल होते हैं। बैंक, अगर हम बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, ये तमाम बैंक लोन देते हैं। और ये तमाम बैंक आपको ऑप्शन देते हैं कि आप चाहे लोन लेने की, एमएसएमई से लोन लेने के लिए आप चाहे ऑनलाइन आवेदन करें या फिर ऑफलाइन आवेदन करें, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा सरकार की विभिन्न योजनाओं की मदद से एमएसएमई लोन देता है। एमएसएमई लोन के तहत आने वाली सरकारी योजनाओं में मुद्रा लोन, सीजीटीएमएससी, पीएमईजीपी आदि शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत कुछ उप योजनाएं भी आती हैं, जैसे सूक्ष्म व्यापारियों के लिए लोन, महिला उद्यमी योजना, बैंकों के लिए रिफाइनेंस योजना, माइक्रो क्रेडिट योजना, मुद्रा कार्ड, क्रेडिट गारंटी फंड एवं इक्विपमेंट फाइनेंस योजना आदि। इन योजनाओं के तहत ये श्योर किया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि जितने भी मौजूदा व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं या फिर नए व्यापारी हैं, उनको फाइनेंस के हिसाब से किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और उनको राशि प्राप्त हो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुद्रा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी को छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया और इस योजना के तहत दिए जाने वाले लोन को शिशु, किशोर और तरुण के नाम से तीन कैटेगरीज में बांटा गया। शिशु लोन में स्टार्टअप व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए तक का एमएसएमई लोन दिया जाता है। वहीं किशोर में 5,00,000 रुपए तक का लोन उन कंपनियों को दिया जाता है जो कुछ समय से चल रही हैं लेकिन पूरी तरह स्थापित नहीं है। और तरुण लोन में 10,00,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है उन कंपनियों को जो स्थापित तो है लेकिन और विस्तार करना चाहती है। इस लोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको किसी भी गारंटर की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको अपनी गारंटी खुद लेनी है। दूसरा फायदा यह है कि इसकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। तीसरा फायदा यह है कि इसको चुकाने के लिए आपको 5 साल का समय दिया जाता है। बता दें कि मुद्रा योजना के तहत कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है। विभिन्न बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण के लिए अलग अलग ब्याज दर ली जाती है। मुख्यतः ब्याज दर 12% है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। यदि आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन फॉर्म, उसके बाद पहचान पत्र, उसके बाद पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में से कोई एक, एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए पासपोर्ट लीज एग्रीमेंट, लैंड लाइसेंस, टेलीफोन या बिजली का बिल, राशन कार्ड या फिर सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक सबमिट कर सकते हैं। उम्र प्रमाण पत्र यानी एज प्रूफ, इसके लिए पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और पैन कार्ड आदि में से कोई भी एक। इसके अलावा आपको अपने पिछले 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराना होगा। आपने अपने बिजनेस को एमएसएमई के तहत रजिस्टर किया है, इसके प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको अपना प्रोपराइटर पैन कार्ड और साथ ही कंपनी के नाम से बने पैन कार्ड की भी आवश्यकता होगी। व्यवसाय को अपने पिछले 2 वर्षों के प्रॉफिट एवं लॉस की बैलेंस शीट की कॉपी भी सबमिट करनी होगी। और आखिर में आपको अपने सेल टैक्स दस्तावेज और नगर टैक्स दस्तावेजों की भी एक कॉपी सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको उद्यमी मित्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। मुद्रा लोन के लिए लॉगिन करने के बाद अलग अलग स्टेप में सभी जानकारी मांगी जाएगी। अंत में जरूरी कागजात भी मांगे जाएंगे जिसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगर आपको एप्लीकेशन फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उद्यमी मित्र पोर्टल आपको सही एजेंसी या व्यक्ति से संपर्क कराएगा ताकि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकें। हालांकि इसके लिए आपको फीस देनी होगी और उद्यमी मित्र पोर्टल अपनी पर्सनल डिटेल भरकर एजेंसी या व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट करना होगा।
तो दोस्तों, अगर आप एमएसएमई से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो हम जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर करें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।